रहा था ना यो पोकलैन, मतलब बैटरी चोरी होगी तो, और चोरी किस टाइम हुई है वे? हमारे मनीष भाई का चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे यहाँ दो आदमी थे पूरी रात थे, मतलब रात ने ये गाड़ी आ ना जैसे सामने लकड़ गुड्डी खड़ी है ट्रक, तो ये खाली करवाने के नाम के आए थे। तो रात ना आ गई बारिश करीब 4 बजे, तो ये आता गए, ये सामने पुल दिखाई दे रहा है, इसके नीचे खड़े हो गए। इतना 15-20 मिनट में उल्टे घूम का आए, इतने में वे बैटरी बूटरी लेकर चले गए। वो बैटरी इसमें तो चोरी होकर वे गई है इस रास्ते तक। मैं दिखा दो लोगों ने ना कैसा तोड़ रखे, क्या क्या तोड़ फोड़ कर रखी है और कहाँ कहाँ ना बैटरी धरी है। एक तो इसका लॉक तोड़ रखा है, इसमें चाबी लगानी थी, यो भी ना फाड़ी था पाड़ा। फिर एक डेंट इसमें यो रहा है, यो यहाँ भी ना लगाई लेकिन यो खुल नहीं पाया। फिर जब इन पाया यो भी ना खुले, फिर इन्होंने तोड़ा शीशा, यो पड़ा। शीशा तोड़ने के बाद उस तक पहले इन्होंने या जाली पाड़ने की कोशिश करी, वह मुड़ रही है जाली। जब यो भी नहीं हुई, जब जाके इन्हें शीशा तोड़ा है, फिर इन्हें फाड़ी फूड़ी लगा के फिर यो पाड़ा। जब इसके बाद बैटरी निकाल के जब यो आग गए, इस तरफ बैटरी लेकर गए है, बैटरी चुरा कर वे गए है इस रास्ते तक। यहाँ अन्ना पैड भी छपरी थी उनकी, ये ट्रक चले गए, लेकिन बैटरी का निशानी भी है, जहाँ जहाँ उन्होंने बैटरी दरखी है। दो लड़के थे साथ में, वे खुदाड़ा ले रहे थे जिस तक खड्डा वड्डा करा करे। हमने इतना भी पता चल लिया वे रखी किस घर में है बैटरी, किसी ने यहाँ बता दी कि भाई इस घर में रखे, लेकिन मेरा नाम मत लियो। एक तो उन्होंने यो रहा एक निशान, दो बैटरी थी दोनों याद रही। फिर उसके बाद वे उतरे आते नीचे कंधे पर ले गए, ये उनकी पैड छप रही है। फिर उन्होंने रखी बैटरी यहाँ पे, फिर आता उठा कर कंधे पे वे गए इधर से, और बैटरी बताई, लेकिन बिन देखे हम नाम नहीं ले सकते। जिसने सूचना दिया उसने कही है बैटरी यहीं कहीं है, और भाई मारा नाम मत लियो, अगर तुम देखना चाहो तो देख सको। इब कोई भी हो जिसने पता होगा, गांव का सबने पता रहा कि बैट कौन चोर रहा कौन नहीं।